नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और हम शुरू कर रहे हैं अपनी वोट यात्रा छिंदवाड़ा से और जानने की कोशिश करेंगे इस चुनावी दौर में कौन बनेगा महापौर। और हमारे साथ में है कांग्रेस के छिंदवाड़ा से महापौर पद के प्रत्याशी विक्रम आहके जी। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे क्या बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे लाडले नेता माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त समझा और छिंदवाड़ा की जनता की सेवा करने का मुझे मौका दिया। सबसे मेन चीज़ ये है कि छिंदवाड़ा जो नगर निगम है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। वहाँ कोई भी छोटे से काम से लेकर बड़े काम को लेके जाओ, बिना कमीशन खोरी के वहाँ पर काम नहीं होता। और जिस तरीके से हम अभी जनता के बीच जा रहे हैं, जन समर्थन मिल रहा है, जनता बहुत आक्रोशित है इनको जवाब देने के लिए। मुद्दों की बात करते हैं, किन बड़े मुद्दों के साथ आप चुनाव में जाएंगे? सबसे पहला मुद्दा तो भ्रष्टाचारी का है, दूसरा यहाँ पर सड़क नाली बिजली पानी जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलना चाहिए, जो हमारे 24 गांव के 17 वार्ड ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ नगर निगम में जुड़े हैं वो भी आज पूरा टैक्स उनसे नगर निगम वसूल रहा है, लेकिन उनको सुविधाएं के नाम मात्र कुछ नहीं है। वो आज भी गांव के गांव हैं। छिंदवाड़ा शहर में सड़कें खोद दी जा रही है, आज कोई पार्क नगर निगम ने नहीं बनाया, कोई पार्किंग की सुविधा नगर निगम, कोई लाइब्रेरी नगर निगम सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा है। नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा है। जो कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर, क्या स्थिति, तस्वीर क्या है? लगातार यहाँ पे निगम इतने दिनों से निगम पर बैठी हुई है, क्योंकि पिछले बार महापौर भी भाजपा का ही था, लेकिन ऐसी कोई सुविधाएं नगर निगम के क्षेत्र को लेकर नहीं मिली है। और चूंकि उसके साथ वार्ड जुड़े हुए हैं, आज भी वहाँ पर देखा जाए तो जैसे वो गांव में आते थे वैसे ही समस्या लगातार वहाँ बनी हुई है। और ना उन्हें नाली की सुविधा है, ना सड़क की है, ना सफाई को लेके कोई व्यवस्था है, ना उनका कोई प्लान है और ना उन्होंने कोई प्लान किया है। सिवा भ्रष्टाचारी के कुछ नहीं और सिर्फ पेपर में दिखावा, और उसके बाद पेपर में दिखावा करते हैं और सोशल साइट में दिखावा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार निगम से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अभी आप देखिए कल जो बारिश हुई है उसमें आप निगम की हालत देखिए कितनी खस्ता है, पूरे शहर की पूरा सत्यानाश करके रख दिए इन लोगों ने, पूरी रोड को बर्बाद करके रख दिया, इनके पास कोई प्लान नहीं है। और उसके बाद ये सिर्फ अपने आप में सिर्फ वाहवाही लूटते हैं, ये और इनके महापौर और इनके प्रधानमंत्री और इनके मुख्यमंत्री। चलिए वापस आएंगे, हम आम आदमी पार्टी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका ये पहला चुनाव है। उम्मीद ये की जाएगी कि बड़े निष्पक्ष होकर आप बताएंगे कि कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ। देखिए छिंदवाड़े की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में दो सरकारों ने हमेशा जनता को लूटा है, एक तो कांग्रेस हो गई और एक भाजपा हो गई। कभी तुम जीते तो कभी हम हारे, इन दोनों ने मिली भगत करके प्रदेश की जनता के साथ लूटपाट की है। इसका जीता जागता उदाहरण आप छिंदवाड़े में देख लीजिए। इनके नाली के नाम पे अभी जैसे सभी विपक्षी दल भी बोल रहे हैं, काम नहीं हुआ है, लूट हुई है, सीधी लूट और जनता से लूट, मकान का टैक्स पे लूट, नल के बिलों पे लूट, बिजली के दरों पे लूट, सुविधा के नाम पे जीरो। हम अच्छी सरकार देंगे, हम वादा करते हैं जनता से, एक अवसर आम आदमी पार्टी को दिया जाए। चलिए अवसर की बात है, अभी मुद्दों की बात जरूर करेंगे। आप तो नगर अध्यक्ष हैं, बार बार ये जो छिंदवाड़ा शहर है इसकी पहचान हमेशा पूर्व सीएम कमलनाथ के नाम से होती है। कौन सी ऐसी बड़ी अचीवमेंट है आपको लगता है नगर स्तर पे, नगर निगम के स्तर पे, जिनके दम पर आप लोगों ने जो विकास कराए, क्योंकि विधायक आपके हैं, सांसद आपके हैं, तो मुख्यमंत्री के बतौर आपको मौका मिला 15 महीने, क्या ऐसा विकास किया कांग्रेस ने जिससे लोग आपका साथ देंगे? आपका धन्यवाद। मैं कहाँ से शुरू करूँ, ये मेरी समझ से परे है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ छिंदवाड़े की जीवन रेखा। छिंदवाड़े की जीवन रेखा है हमारा कनरगांव डैम, जहाँ से हम जल आपूर्ति करते हैं और पानी पीते हैं। ये छिंदवाड़ा को परिभाषित करता है और ये परिभाषित माननीय कमलनाथ जी ने कराया, कनरगांव डैम कमलनाथ जी ने बनाया, जिससे आज हम सारे छिंदवाड़ा के लोग पानी पीते हैं। ग्रेविटी मैन पाइपलाइन कमलनाथ जी ने डलवाई। चलिए ये सब तो बहुत पुरानी बातें हो गई, मैं अभी लेटेस्ट बात करना चाहता हूँ, वर्तमान की बात करना चाहता हूँ। UIDSSMT के थ्रू आज से 10 साल पहले कमलनाथ जी ने 127 करोड़ रुपए छिंदवाड़ा को दिया था। मोटी सड़कें बननी थी, पाइपलाइन डलनी थी, घरों घर 24 घंटे पानी जाना था। मैं यहाँ के नगर निगम के जो हमारे कुछ बोल सकता हूँ नगर निगम प्रत्याशी के विषय में, चूँकि भ्रष्टाचार वाली बात आई है तो नगर निगम से टिकट खरीद ली भाजपा ने और उन्हीं को, जिनके हाथ में टोटल भ्रष्टाचार था, उन्हीं को बैठाल दिया। पिछले 10 साल से लगातार चाहे रोड के माध्यम से हो चाहे जल आवर्धन के माध्यम से भरपूर पैसा इन लोगों के द्वारा कमाया गया, जब श्रीमान ये सुपरिटेंडेंट थे तब से कमा रहे हैं।
आज स्थिति ये कर दी, जबकि एक लॉजिक ये कहता है रोड बनाने से पहले पाइपलाइन बननी चाहिए। इन्होंने पहले रोड बना दी फिर पाइपलाइन डलने की बात करी, लेकिन आज तक पिछले 15 साल से जल आवर्धन की लाइन का कुछ नहीं हुआ। इंडियन ह्यूम पाइप को ब्लैकलिस्ट करना था तो उन्हें दूसरा काम उसी कंपनी के नाम पर, लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के नाम पर दे दिया। और आज पूरे शहर में जो रोडें बनी कमलनाथ जी के द्वारा, कमलनाथ जी के प्रयासों से, यूआईडी की पूरी रोडें खोदी जा रही हैं। और इसका और छोर कुछ नहीं, टेक्निकल इशू कुछ भी नहीं है। आप महापौर जी यहाँ नहीं आए जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनसे पूछिएगा सीवर लाइन का और छोर क्या है, वो बता पाएंगे आपको। हमें तो दुख यह है साहब कि भाजपा, मैं संगठन का आदमी हूँ, संगठन की बात करूंगा कि भाजपा को इन 2.5 लाख लोगों में कोई संगठित आदमी नहीं मिला, या ऐसी कोई शक्ति नहीं मिली कि उसको महापौर का चुनाव लड़ाएं। मैं तो धन्यवाद देता हूं कमलनाथ जी को कि एक युवा साथी को विश्वास करके जनता की सेवा के लिए छोड़ा है। चलिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बैठे हैं, उनसे हम एक बार बात करते हैं। पहले तो आम आदमी पार्टी छिंदवाड़ा में कैसे देखती है अपने आप को, क्योंकि एक बहुत बड़े दिग्गज कांग्रेस नेता का शहर है, भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर कई चुनाव जीतती आई है, ऐसे में आम आदमी पार्टी किस तरह से जगह बनाएगी? आम आदमी पार्टी जहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है उसके खिलाफ है, और यहाँ जनता को दिख रहा है। वार्ड नंबर 3 से मैं हूँ प्रत्याशी, और वहाँ भाजपा के एक पार्षद है सुनील तिरगाम भैया, उनने आप एक भी काम बता दो वो वार्ड में जाके, आप एक काम भी नहीं मिलेगा आपको भाजपा का वहाँ पे। तो इसका मुझे, मैं बीएससी बैचलर ऑफ साइंस से आगरा यूनिवर्सिटी डॉक्टर बाबा साहब की यूनिवर्सिटी से आया हूँ, और मैंने ठान लिया हूँ जो मेरे वार्ड में काम नहीं हो रहा मुझे करना है, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के उससे मुझे चलना है उस विचारधारा पे। चलिए, विचारधारा की बात है, लेकिन विक्रम जी हमारे पास हैं, कहते हैं युवा बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा में विकास के इतिहास को बदलने के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आपके दिमाग में? निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा और विकास, कमलनाथ जी और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। कमलनाथ जी कह लो या विकास कह लो, बात एक ही है। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का नाम जहाँ जुड़ा है, जहाँ हमारी सोच नहीं जाती वहाँ कमलनाथ जी की सोच जाती है। आज जो छिंदवाड़े की पहचान पूरे देश में, पूरी दुनिया में है, वो माननीय कमलनाथ जी की वजह से है। और निश्चित तौर पर हमारे बहुत सारे सपने हैं जो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने आम आदमी पार्टी के साथियों को बुलाया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खरी खोटियाँ सुनाई, उन्होंने यहाँ की मुद्दों को उठाया कि यहाँ बिल्कुल कोई समस्या का निदान नहीं होता, बहुत भ्रष्टाचार है, उसका मैं स्वागत करना चाहता हूं। लेकिन साथ ही कहना चाहता हूं कि यहां आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो बरसाती मंडक की तरह है। पिछले चुनाव में इनकी स्थिति नज़र आई थी, उसके बाद से ये स्थिति आज नज़र आ रही है। और इनके पास भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास अपना खुद का एक कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता को सीट देने की बजाय प्रत्याशी बनाने की बजाय उन्होंने जिस तरीके से एक अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी को प्रत्याशी बनाया है, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ से गुणवाना से जुड़े लोगों को अपने पास बुलाकर कुछ समय के लिए, कुल अल्प समय के लिए उनको प्रत्याशी घोषित किया है। समय के लिए प्रत्याशी घोषित किया है आपको, लेकिन हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जानने की कोशिश यहाँ पर करते हैं उन युवाओं से। युवाओं के स्तर पर क्या बड़े कार्य यहाँ पर हुए, किसके द्वारा हुए और क्या जरूरतें हैं? युवाओं के लिए बीजेपी ने आज तक कुछ नहीं करी है। छिंदवाड़ा शहर में बीजेपी ने युवाओं के लिए आज तक ना कोई कुछ काम लेके आई है, कुछ भी नहीं की है। यदि जो भी कुछ हुआ है युवाओं के लिए, वो सिर्फ कमलनाथ जी के द्वारा हुआ है और सिर्फ नकुलनाथ जी के द्वारा हुआ है। यहाँ पर युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है ये कहना है बीजेपी के द्वारा, क्या स्थिति है युवाओं को लेके यहाँ पर कार्यों की बात करें तो? युवाओं के लिए यहाँ कांग्रेस ही अच्छा काम करती है, बीजेपी का तो अभी तक कोई काम नहीं दिखा, सब काम लटके पड़े नहीं। और किन कामों की आवश्यकता यहाँ पर आपको लगती है? अभी वैकेंसी नहीं निकली बहुत दिनों से, हमको तो जॉब की जरूरत है। वैकेंसी नहीं निकली, आप लोगों को जॉब की जरूरत जी? यहाँ पर आप क्या करते हैं? मजदूर करते हैं सर। अच्छा, मजदूरों के लिए या गरीबों के लिए यहाँ छिंदवाड़ा में क्या स्थिति है? मजदूर के लिए तो हाय हाय दया कर दिए जनता पार्टी वाले ने, क्या करोगे आप, काम ही नहीं मिलता है ना सर, क्या करोगे आप, काम ही नहीं मिलता यहाँ पर। ये सब मशीन से काम हो रहा है, सब गड्ढा गुड्ढी हो रहा है, रोड बना है कमलनाथ जी ने और ये गड्ढा गुड्ढी कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम तमाम बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर वापस कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी? सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी का बहुत बहुत सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक युवा को मौका दिया है,
और इसी के साथ मैं बीजेपी को कहना चाहूंगा और आम जनता को समझाना चाहूंगा कि चूंकि मैं युवा हूं और युवा की बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से भाजपा ने एक नगर निगम के कर्मचारी को टिकट दिए, ये साफ और स्पष्ट ये नीति कहलाती दिखाती है कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था, कोई युवा नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था। ये सिर्फ कहने की बात है कि भाजपा मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में एक बहुत बड़ी पार्टी, इनके पास कोई युवा चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है कि ये अपनी पार्टी से लाके किसी को टिकट दे। ये इन्होंने जब जिस दिन कर्मचारी को टिकट दिया उसी दिन ये स्पष्ट हो गया था कि जिस कर्मचारी को आपने टिकट दिया वो उसी भाजपा नगर निगम में पदस्थ है जिनको आपने टिकट दिया। तो उन्होंने जब वहाँ पदस्थ था वो तो कितने प्रकार का उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा, किस प्रकार से भाजपा का हाथ उसके सर पर रहा होगा, ये साफ और स्पष्ट दिखाता। तो मैं युवा साथियों को और पूरे छिंदवाड़ा की जनता को ये कहना चाहूंगा कि आप इस नीति को समझे कि इन्होंने जब भाजपा ने इनको टिकट दिया तो उन्होंने किस प्रकार से वहाँ भ्रष्टाचार किया होगा। तो आप एक हमारे युवा प्रत्याशी है आज विक्रम आके जी, आप इनको समझे, चूंकि ये पढ़े लिखे शिक्षित और योग्य है और इस जमीन से उठ के आए, इनकी माता जी आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता, तो उस दुख को उस दर्द को समझ सकते, उस पीड़ा को समझ सकते कि किस तरीके से यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको हम कैसे खत्म करें। तो यहाँ पर जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ उसको कैसे खत्म करें ये कहना है। लेकिन एक और मेरा बड़ा सवाल है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखे तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर विकास हुआ है या नहीं हुआ कांग्रेस के द्वारा? विकास रिंग रोड बनाने से विकास होता है, विकास होना चाहिए उद्योगों से। आप 40 साल से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, 44 साल से राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं आप वंशवाद की, कभी अलकानाथ, कभी कमलनाथ, कभी नकुलनाथ, आने वाले समय प्रियानाथ। मतलब छिंदवाड़ा जिले के मेरे भोले वाले आदिवासी लोग के नाम से आप जो वोट बैंक बनाते हो, आप उन्हें क्या प्रेजेंट करते हैं बाहर जाके कि ये मेरे भोले वाले आदिवासी, उनके नाम से आप टिकट मांगते और अपना वंशवाद चला रहे हैं? कौन सा उद्योग है छिंदवाड़े के अंदर बताइए? रेमंड बताते हैं एक ठुल, छिंदवाड़े कितने प्रतिशत लोग उसमें काम करते बताइए, डाटा कलेक्ट कीजिए आप कि छिंदवाड़े के मजदूर कितने लोग हैं जो रेमंड जैसी कंपनियों का नाम लेके बताते हैं। उसके अलावा उद्योग बताइए, बड़े उद्योग कौन से हैं? जितने भी उद्योग खोले, सारी ट्रांसपोर्ट खोले, मेरी 150 माता बहनें बेरोजगार हो गई, उनके घर में चूल्हे नहीं जले, कोई झांकने नहीं गया, कहाँ है रोजगार? छिंदवाड़ा की बात करते हैं तो तमाम बड़े उद्योगों की यहाँ बात होती है, लेकिन यहाँ पे ये आरोप है आम आदमी पार्टी का कि स्थानीय लोगों को रोजगार उसमें नहीं दिया जाता। देखिए पहले तो 20 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके पहले जो हुआ है, माननीय कमलनाथ जी की पहचान छिंदवाड़ा से ये है कि जितने देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई केंद्रीय विद्यालय वाला जो जिला है वो छिंदवाड़ा है, सबसे ज़्यादा रिंग रोड जो है छिंदवाड़ा में है, अपने स्तर से सबसे ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट वाले सेंटर जो है छिंदवाड़ा में, और माननीय कमलनाथ जी ने विश्वास किया है और कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास छिंदवाड़ा की जनता जताएगी। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे स्वजाति बंदी है कमिश्नर साहब हैं उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। साथ ही कहना चाहता हूँ कि आपने जो भ्रष्ट तरीके से नगर निगम चलाया है, अब गरीबों की हाय मत लीजिए क्योंकि नगर निगम में आपको जनता दूर बिठाने वाली है। को लेकर जो तमाम बातें हो रही हैं, इस बीच में हम बात करेंगे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों की भी जो अलग अलग पार्टियों से आए हैं और यहाँ पर जिस तरह की स्थितियाँ उसको लेकर चर्चा यहाँ पर जारी है। आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे? देखिए मैं बताना चाहता हूँ उद्योग की बात, हमारे पांडे जी एक मिनट थोड़ा शांत जी जी जी। मैं उद्योगों की बात करना चाह रहा था कि उद्योगों की अगर बात करना चाहते हैं तो ये पांडे जी को बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये तो दिखता है, छुपाने वाली चीज़ नहीं है। चाहे हम FDDI से जाएं, CII से जाएं, चाहे हम जाएं रेमंड चले जाएं, हिंदुस्तान लीवर चले जाएं, उद्योगों के मामलों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और रोजगार रही बात हमारे पांडे जी कर रहे हैं रेमंड की, तो वहाँ पर ये स्वयं जाके देख लें 64 परिक्षेत्र के कितने लोग जाते हैं, छिंदवाड़ा के कितने लोग जाते हैं, इसमें रोजगार की कोई बात नहीं। कमलनाथ जी ने हमेशा छिंदवाड़ा को ही ध्यान में रख के काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि तो हमारे सामने है, हम ये सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, अभी हमारी आम आदमी पार्टी से कांग्रेस उम्मीदवार से बात हो रही थी, उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार प्रदेश में मौका मिला, बतौर महापौर मौका मिला, लेकिन उस तरह का विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पे जो प्रोजेक्ट आए वो अधूरे हैं। विकास तो छिंदवाड़ा की जनता देख रही है, छिंदवाड़ा के अंदर में कितने विकास कार्य हुए हैं। कांग्रेस के समय में सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ, जनता ने ये 15 महीने के 16 महीने के कार्यकाल के अंदर में देख ली। और छिंदवाड़ा के अंदर में जितना मानसरोवर कॉम्प्लेक्स या जो डेवलपमेंट के काम दिखाई देंगे ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का, इसीलिए तो लगातार 15 साल से जीतते चले आ रहे हैं। अगर विकास कार्य नहीं किए होते तो क्या जनता दोबारा मौका देती, तीसरी बार मौका देती? किताब भी आपकी छपेगी ना।
विकास के कार्यों का जिक्र जो है यहाँ पर नगर निगम के सभापति रहे हैं वो करते नजर आ रहे हैं। कौन से बड़े विकास कार्यों की उपलब्धि आप दिखाने की कोशिश? उपलब्धियाँ इसमें लिखी हुई है, हमने शहर में करोड़ों की सड़कों का जाल बिछाया, ये यहाँ पे पूरी किताब छपी है, एलईडी लाइट लगी है, कितने पूरा विकास का पूरा किताब ही छपी है, और ये मेरे नहीं छापी है ये किताब, ये एक्सप्रेस जो बलपुर एक्सप्रेस है कांग्रेस वालों का अखबार है और उन्होंने ये किताब छापी है और पूरा भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विकास किया गया है उसके किताब पे किताब विकास कार्यों की है। एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे यहाँ पर सीवर लाइन का जो है एक बड़ा मामला है जिसमें कहा गया कि आधे अधूरे प्रोजेक्ट की वजह से पूरी जनता को परेशान होना पड़ेगा। कोई भी कार्य अगर होता है तो कार्य करने में कोई परेशानी थोड़ी बहुत तो उठाना पड़ता है, पर जो सीवर लाइन है वो इतनी आवश्यक है कि जो ड्रेनेज का पानी जो नालियों में जाके और नदियों में मिलता था उसको अलग करने का प्रोजेक्ट है। जब प्रोजेक्ट के पूरे रिजल्ट बाहर आएंगे तब लोगों को समझ में आएगा कि कितना आवश्यक है। कोई कार्य करने के पहले थोड़ी बहुत तो तकलीफ उठाना पड़ता है, ये बात जरूर है कि जिस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए उस तरीके से सीवरेज वालों ने नहीं किया है, उसके लिए हम भी लगातार उनको खिंचाई कर रहे हैं और उसको लगातार ठीक करने का हम प्रयास करवा रहे हैं। जी मैं वापस आऊंगा, एक बार यहाँ जा रहा हूँ, एक पहले मुद्दे की बात हो रही है सीवरेज लाइन की, क्या स्थिति है? स्थिति यह है लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन को उन्होंने काम दिया नगर निगम ने, इनकी बंदरवाट से उस लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन ने 80 मजदूरों का पेमेंट रोका। भाई साहब मैंने उन 80 मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया, मैंने उनका दुख और दर्द समझा, मैंने उन 80 मजदूरों को लेकर एसपी साहब के पास गया, एसपी साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि इन गरीब मजदूरों का हक नहीं मारा जाएगा। उन्होंने तुरंत छिंदवाड़ा टीआई को आदेशित किया कि आप इन गरीब मजदूरों का पेमेंट करवाए। तब नगर निगम के ऊपर पुलिस प्रशासन ने प्रेशर बनाई, लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन ने फिर उनका आधा पेमेंट दिया और आधा पेमेंट अभी बाकी है। और ये बात अब क्यों हो रही है? आपको पहले चुनाव में इनको याद आते हैं सारे मुद्दे, इसके पहले 5 साल से क्या कर रहे थे भाई साहब? चुनाव के मुद्दे बता रहे हैं आप, जनता को बरगलाने की राजनीति कर रहे हैं आप, पानी नहीं दे पा रहे। अभी 4 दिन भाई साहब पूरा शहर प्यासा रहा, नगर निगम में टंकी पे टंकी बुलाते रहे, टैंकर नहीं दिए उन्होंने। क्या मुद्दे की बात करेंगे भाई साहब, क्या विकास की बात करेंगे? जिस प्रकार से उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का विकास दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे शहर में 10,000 मकान प्रधानमंत्री आवास के बने हुए, 10,000 गरीब उनके खाते में गया है पैसा, उनके खाते में पैसा गया है, हितग्राहियों के खाते में पैसा गया है किसी प्रकार से। वापस आऊंगा मैं, आप बैठिए आप बैठिए, एक एक व्यक्ति बोलेगा। भैया सबसे पहले मैं तो आपको ये बोलना चाहूंगा कि सम्मानी पार्षद महोदय यहाँ बैठे कृपया अर्गनल शब्दों का प्रयोग न करें, उल्लू को रात में दिखता है दिन में नहीं दिखता, हम लोग उल्लू नहीं है, गलत बात। बस। ये मेरा छिंदवाड़ा है और मैं सारे छिंदवाड़ा से निवेदन करूंगा कि मेरे छिंदवाड़ा जिले की संस्कृति खराब ना करें, उसकी आबो हवा खराब ना करें, हम यहाँ पर अपने विचार रखने आए। सुनिए, अरे आप ऐसा माहौल क्रिएट मत करिए भाई साहब, अरे मैं कांग्रेस से और भाजपा दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, आप दोनों ऐसा माहौल क्रिएट मत करिए। मुद्दों की बात नहीं हो रही भाई साहब, मुद्दे की बात नहीं भाई साहब, बैठिए बात करिए भाई साहब बैठ के बात करिए, बैठ के जी बैठने की आप एक बार निवेदन करिए। देखिए बात ऐसा है, बात जो मुद्दे की है सबको मालूम है, भ्रष्टाचार की बात पे आई थी, 500 करोड़ का सिंचाई घोटाला जो हुआ है, मेंढाना को जो दिया गया पैसा उस मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये जो मकान बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के शासन काल के अंदर में प्रधानमंत्री कोष के, वो आपके सामने है, वो दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे कांग्रेस के समय में बोर्ड लगे, उन बोर्डों में करोड़ों का भ्रष्टाचार बोर्ड लगाने में हो गया। आज मकान बने तो मकानों का उपयोग शहर की जनता कर रही है, कौन मकानों में रहने के लिए मकान दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, ये कहना है? देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि इनके कल भी ये कार्यक्रम आपके माध्यम से होना वाला था, लेकिन इनके प्रत्याशी कल भी नहीं आए, आज भी इनका संगठन का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी यहाँ पर नहीं आया, और जिस तरीके से संतोष राय जी यहाँ पर अपनी भाषा का अनर्गल उपयोग कर रहे हैं, उल्लू शब्द इन्होंने छिंदवाड़ा की जनता के लिए किया, उल्लू इन्होंने छिंदवाड़ा की जनता को समझने का काम किया, जिसका उल्लू छिंदवाड़ा की जनता को वोट यात्रा की बहस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मुद्दों की बात करने की कोशिश करेंगे, और तमाम पक्षों से भी यही उम्मीद करेंगे कि बात मुद्दों की हो।
लगातार ये बात हो रही है जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई है उसमें कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मौका मिला, बहुत और महापौर मौका मिला, आपको सबसे पहले बड़ी उपलब्धियां क्या रही भारतीय जनता पार्टी में? ये छिंदवाड़ा का जो बदलाव है ये भारतीय जनता पार्टी के 2003 के बाद ही हुआ है। छिंदवाड़ा पहले ऐसा नहीं था जैसा आप अभी दिख रहा है, और जनता जब बार बार मौका देती है इसका मतलब है कि जनता को कुछ ना कुछ पार्टी से मिला है। तो हमारी जनहित की जो योजनाएं घर घर पहुंची है, आज 2.5 लाख वाले मकान लगभग एक एक वार्ड में 250-300 मकान बन चुके हैं, और पेयजल से लेकर सारी सुविधाएं इस शहर को निर्विवाद मिल रही है, सड़कों का और सारा साफ सफाई से लेकर हम आज छोटा सा शहर होते हुए भी साफ सफाई में 8-9 नंबर पे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, 15 साल में हमने जो विकास किया है उसी के बाद जनता हमें दोबारा बार बार मौका दे रही है और तीसरी बार चौथी बार भी हमको मौका देगी। एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या हमेशा बात होती है भारतीय जनता पार्टी को लेके कि संगठन अपने किसी कार्यकर्ता को जो है वो प्रत्याशी बनाता है, इस दफा ऐसी क्या मजबूरी आई कि आपको एक रेजिग्नेशन लेना पड़ा और उसके बाद उनको प्रत्याशी बनाना पड़ा? नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं है, ऐसा तो कई समय पे हुआ है। यदि पार्टी को एक ऐसे व्यक्ति को देना है कि शहर के अंदर में विकास कार्य की जो लगातार वो चल रही है, जो पार्टी को योग्य समझ में आया पार्टी निर्णय ली, ये कोई इसमें कोई ऐसा कोई चीज नहीं है कि ये जो बात हो रही है ये क्या ये आपको नहीं लगता कि अगर एक जिसको नगर निगम का बेहतर ज्ञान है, नॉलेज है, अनुभव है, वो बेहतर विकास भी करवा सकता है? स्वयं विकास, मैं आना चाहता हूँ पहले तो संगठनात्मक बातों पे। ठीक है, आपने क्वेश्चन किया, इन्होंने बता दिया कि जरूरत थी। आदिवासियों का महत्व तो वैसे भी नहीं समझते, निरंक रखते हैं। रही बात अभी का जो इन्होंने महापौर प्रत्याशी तय किया है, पिछले 15 सालों से सतत भ्रष्टाचार चला आ रहा है और इन्हीं के सानिध्य में चला आ रहा है। तो ये सतत भ्रष्टाचार चलता रहे, जैसा सुचारू चल रहा था चलता रहे। पहले पर्ची से काम होता था, लिफाफे से, अब तिजोरी हाथ में दे दिया। आज की स्थिति में ये है कि जो भ्रष्टाचार वो कर रहे थे पहले, अब उसे ये प्रमाणित तौर पे कराएंगे। इसलिए भाजपा ने एक भ्रष्टाचारी निगम प्रत्याशी से, निगम से टिकट खरीद कर उसको प्रत्याशी बनाया। आम जनता को समझना चाहिए कि जब वो पद पे था उसने, चाहे वो ग्रीनलैंड के पैसे हों, चाहे पेंशन जो अटकी उसके पैसे हों, चाहे स्थाई पट्टे के पैसे हों, सारे पैसे उन्होंने खाया। और रही बात मैं हमारे बड़े भैया यादव जी की बात पे बताना चाहता हूँ, सड़कों का जाल 157 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने दिया था UIDSSMT में जलावर्धन और सड़क बनाने के लिए। योजना ये होती है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जलावर्धन की लाइन पहले डलती है फिर रोड बनती है, उस राशि का दुरुपयोग करने के लिए भाजपा ने पहले रोड बनवाई फिर जलावर्धन की लाइन डलवाई, जो कि आज तक 15 साल में पूरी नहीं हुई। ये तो बड़ा सवाल है कि जल आवर्धन जो है वो हमेशा पहले करवाया जाता है और फिर सड़क बनाई जाती है, सड़क बनने के बाद में तो नुकसान ही होगा जनता के पैसे का। नहीं, ये तो राष्ट्रीय योजना है, अंतर्राष्ट्रीय उसको वो फाइनेंस करता है और बड़े शहर से पहले शुरू हुआ, 6 साल पहले जबलपुर में कम्प्लीट हो चुका है, अब धीरे धीरे छोटे शहरों में नंबर लग रहा है। वो जब भी आएगी वो योजना हमारी भी नहीं है, केंद्र सरकार और इंटरनेशनल उसका जुड़ा रहता है, तो वो तो होगा। उसमें रोड बर्बाद होगी तो रोड बनेगी भी, और रोड बनाएगी भाजपा, सरकार भाजपा की है, केंद्र में भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने अभी भ्रष्टाचार का उठाया, अनंत बाबू पे कोई भ्रष्टाचार का उपयोग नहीं है, 30 साल से वो आदमी नीचे से ऊपर बढ़ा है। क्या मजबूरी कि आपके प्रत्याशी नहीं आ पाए? एक मिनट, बहुत शॉर्ट पीरियड में आपने बुलाया इसलिए, क्योंकि 9:30 बजे सूचना हुई तो दूसरे भी काम है, लोग अभी हम काम कर ही रहे हैं, हम भी फोन से जुड़े ही थे पूरे समय, तो हमारा अभी आज प्रत्याशी मतलब पार्षद भी डिक्लेयर होना है, तो सब पे काम चल रहा है, इसलिए बहुत शॉर्ट पीरियड में बुलाया आपने। कल शाम को बुलाए थे, कल दोपहर में, कल हुई नहीं किसी कारण से, तो ये समय दूसरा चल रहा है, हम अपनी तैयारी करेंगे, उसको पहले प्राथमिकता, उसके बाद फिर आप लोग साथ करेंगे। मैं एक इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, भ्रष्टाचार क्या होता है वो 15 महीने के शासन में छिंदवाड़ा जिले ने देखा है। जो 12 करोड़ का जो इन्होंने साइन बोर्ड लगाए हैं, 1 करोड़ के मुश्किल से साइन बोर्ड है, ये जो सेल्फी पॉइंट बनाए इन्होंने, 50 से 60 लाख के एक एक वो बने जिसकी फाइल तक गुम गई नगर निगम में, नगर निगम को चूज गए, नगर निगम में आज तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, नगर निगम को खाली कर दिया, 1 रुपये दिया नहीं नगर निगम को। आज सांसद हैं हमारे लंबे समय से, सांसद निधि 1 भी रुपये अगर इन्होंने नगर निगम को कभी दिया हो
तो ये बता दें, कभी नहीं दिया। लेकिन भ्रष्टाचार नगर निगम को कैसे नोचना है, ये अभी 15 महीने के शासन में छिंदवाड़ा की जनता ने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी मुद्दे हैं, सीवरेज सड़क जल आवरण के अलावा और कौन से बड़े मुद्दे हैं? स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्या स्थिति है यहाँ पर? मेडिकल कॉलेज बना है यहाँ पर, ये मेडिकल कॉलेज आज स्थिति में बना है 40-44 सालों के बाद। ये मेडिकल कॉलेज की पहले आवश्यकता नहीं थी, आज भी हमारे छिंदवाड़ा के माँ बाप जो हैं हमारे बच्चों के लिए लोन का लोन लेते हैं और बच्चों को बाहर पढ़ने पहुँचाते हैं। यहाँ पर सांसद और विधायक दोनों हैं, इनके कॉलेज हैं, लेकिन इन्होंने कभी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कभी मुद्दों पे बात नहीं करी। कमलनाथ जी ने भी एक कॉलेज छिंदवाड़ा में उनकी इंडस्ट्री का नहीं खुलवाया है ना। नहीं नहीं, शिक्षा चलिए चलिए, आराम से बात कीजिए। नहीं, शिक्षा मैं शिक्षा के क्षेत्र में बताऊंगा। मैं एक छात्र नेता हूँ। यदि भाजपा बताए कि 15 सालों में 20 सालों से यहाँ भाजपा की सरकार है प्रदेश में और अभी केंद्र की भी सरकार है, तो छिंदवाड़ा में या पूरे देश में बोलूंगा कि मोदी जी ने एक यूनिवर्सिटी भी खोली होगी तो उसका नाम बताएं। छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज हो, हॉर्टिकल्चर कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ये सभी देन माननीय कमलनाथ जी की है। और स्किल सेंटर की बात आज करते हैं, कमलनाथ जी ने आज से 20 साल पहले स्किल सेंटर का हब छिंदवाड़ा को बनाया था। और माननीय कमलनाथ जी और हमारे सांसद महोदय नकुल नाथ जी ने सांसद बनते 486 करोड़ 45 लाख रुपए की सौगात दी थी यूनिवर्सिटी के लिए, पर जैसे ही इनकी भ्रष्टाचारी सरकार आई है, आज एक लाइब्रेरी में यूनिवर्सिटी का संचालन हो रहा है, उसका जवाब दें आप। अभी इनसे पूछें कि आज क्या स्थिति है यूनिवर्सिटी की, आज एक लाइब्रेरी में संचालित हो रही है यूनिवर्सिटी, पूरे जितनी भी चीजें आज मेडिकल कॉलेज ऐसी भाजपा की स्थिति भर की बात करते हैं, पहले यूनिवर्सिटी की स्थिति क्या है और क्यों है? बात डेवलपमेंट और विकास की बताते हैं, कमलनाथ जी का मैं एक बात तो आपको बताता हूँ कि छिंदवाड़ा से नागपुर की रेलवे लाइन कितने साल तक कांग्रेस की लगातार सरकार रही, परंतु रेलवे लाइन पे केवल चुनाव में वायदे होते रहे, रेल लाइन में कुछ नहीं हुआ। पर भाजपा के जब सरकार आई और हुआ तो नागपुर तक की रेलवे लाइन भी तैयार हो गई और छिंदवाड़ा से मंडला तक की लाइन तैयार हो गई है। और ये विकास कार्य जो है वो, ये विकास कार्य इसको कहते हैं कैसे किया जाता है स्थायी रूप पर धरती के पट पे, अगर आपके देखने की बात कही ये जरूर मैं सवाल करूंगा कांग्रेस से, लेकिन शिक्षा को लेके एक बार मैं जानना चाहूंगा क्या प्रयास है भाजपा के? शिक्षक क्षेत्र में ऐसे प्रयासों में भाजपा की ओर से कभी कोई कमी नहीं हुई है, कोई ऐसी हुई नहीं है। कांग्रेस ने जबरदस्ती में चुनावी वायदा, चुनाव के समय में जेपी कॉलेज का एक उद्घाटन के नाम पे फर्जी पत्थर गाड़ा था और आज तक ना तो जेपी कॉलेज का कोई पता लगा, ना कॉलेज बना, ना कुछ हुआ। शिक्षा आपके पास आ रहा हूँ। 1000 स्कूल सरकारी बंद किए जा रहे हैं, 1000 सरकारी स्कूल, जवाब लीजिए। बात हो रही यूनिवर्सिटी की, मैं कहता हूँ हमारे बड़े भाई लोग लड़े हैं शिवराज सिंह चौहान जी से कि जो मेडिकल भी शिक्षा के नाम पे आता है मेडिकल कॉलेज आधा कर दिया साहब, यूनिवर्सिटी का पैसा लेगा साहब, हॉर्टिकल्चर का पता नहीं है, जब जिसका पैसा आ चुका है उसका काम तो चालू करवा दो। मेरा सब भाजपा ही हमारे बड़े भाइयों से निवेदन है हाथ जोड़ के, ये छिंदवाड़ा का विकास है और छिंदवाड़ा के विकास को अवरोध कर रहे शिवराज सिंह चौहान। आप नेता प्रतिपक्ष रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी थी, क्या आपने करवा लिया और क्या नहीं हुआ? देखिए, नगर निगम के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं कमलनाथ जी द्वारा आई, रोड, नाली, सड़क, पानी, ये सब कमलनाथ जी द्वारा बनी। बीजेपी की जो योजना आई उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की बिल्डिंग बनी सोनपुर में, कितने की बनी? 100 करोड़ का था। एक सिंगल टेंडर देके 115 करोड़ में एक व्यक्ति को, गुलशन इंदौर की एक कंपनी को टेंडर दे दिया गया। उसके बाद यहाँ के जितने लोकल नेता थे, कोई टाइल्स दे रहा, कोई सीमेंट दे रहा, ऐसा करके वो बिल्डिंग बनाई गई 115 करोड़ में। इतनी आर्थिक स्थिति खराब हुई कि 35 करोड़ रुपए में यूनियन बैंक में जमीन को गिरवी रखना पड़ा नगर निगम की। और 115 करोड़ की जो बिल्डिंग है, आज भी वो बिल्डिंग आप चल जाओ पानी गिर रहा, पूरी बिल्डिंग सीपेज मार रही है, आम आदमी वहां रहने में डर रहा है। ठीक है, एक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, वास्तव में स्थिति क्या है, क्या आपकी तरफ से इसमें कोई क्लेरिफिकेशन? 135 करोड़ रुपए की बिल्डिंग और उसके हालात जिस तरीके हैं और उसको जिस तरह से टेंडर किया गया, आप ऐसा करें वो चले जाएं सोनपुर वार्ड नंबर 24, उसको देख लें, आपको सत्यता पता चल जाएगी। कुछ सत्यता आप भी बता दीजिए। 600 परिवार रह रहा है और बहुत अच्छे से रह रहा है, बहुत सुंदर ढंग से बिल्डिंग बनी है, गाँव चमन हो गया, गाँव शहर हो गया, जो कभी कल्पना भी नहीं की थी किसी ने, और ये विकास है। वहाँ रहने वाले अगर खुश नहीं हो तो बात करें, प्रतिपक्ष इनका तो काम है हमारी बुराई करना, सत्ता पे हमारा काम है काम करना जी। क्या 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 महत्वपूर्ण बात है जिस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, आपने भी उस बिल्डिंग की स्थिति देखी होगी? देखिए, लूटपाट हुई है, उस चीज को दोनों पार्टी स्वीकार कर रही है, एक आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप कर रहा है, इससे ये बात सत्यता प्रमाणित होती है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है।
और ये दोनों ने मिल गए, दोनों ने मिलकर उसमें भ्रष्टाचार किया, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कमलनाथ की सरकार हो, ये तो लूटपाट तो हुई है। अगर देखिए मुद्दे की बात करिए ना, शिक्षा के मामले में चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, ये शिक्षा बात करें, पीने के पानी की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हमारे आने वाले बच्चों को हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, आप हमें वो मुद्दे की बात करें। आगामी नगर निगम में हम महापौर लड़ा रहे हैं, आम आदमी पार्टी प्रहलाद कुसरे जी को, एक युवा साथी को महापौर प्रत्याशी के रूप में उतार रहे हैं, हमारे टैगलाइन मुद्दे हैं, हम उस मुद्दों पर बात करेंगे जो जनता के हित के लिए होना चाहिए। जो आपने बना दिया वो तो अच्छा हुआ, वो तो इतिहास है। मैं तो बोलता हूँ कमलनाथ जी, अलकनाथ जी, नकुलनाथ जी फोटो लगवा दो, हर चौराहे में मूर्ति बनवा दो, शिवराज मामा जी भी लगवा दो, आप लोगों ने विकास किया, जनता को पता चलना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन आगाम में आप क्या करेंगे, हमारी छिंदवाड़ा जिले की जनता का फ्यूचर प्लान क्या आपके पास नगर निगम का, या मुद्दे कौन से मुद्दे की बात करें आप, आगामी फ्यूचर प्लान बताएं। तो हम फ्यूचर प्लान की भी बात कर लेते हैं, क्या बड़े प्रोजेक्ट के साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा के लिए आगे क्या सोच रही है? छिंदवाड़ा में पेयजल की तमाम व्यवस्था जो अभी अपन ने इसको जोड़े हैं, पानी की पूरी व्यवस्था, साफ सफाई की तमाम व्यवस्था, बड़े बड़े मकानों की ये तमाम। भैया अगर आप ही को बीच में बोलना है, एक इन्हीं लोगों से बीच में करवा लो, अगर हमसे बात कर रहे हैं, अगर ये बोल रहे हैं हम बीच में, कोई भी व्यक्ति बोलता है, दो मिनट रुक जाइए, ये तमाम योजना नहीं बोलेगा आप, हाँ भारतीय जनता पार्टी की तमाम विकास की योजनाएं जो है वो धरातल पर है। आज जो मेडिकल कॉलेज के बारे में, उसके अंदर में भी पूरी है, कृषि विद्यालय के बारे में, कृषि विश्वविद्यालय की भी भारतीय जनता पार्टी की योजना के अंदर में है, और यूनिवर्सिटी के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से पहल कर रही है और आगे भी उसकी योजना बनी हुई है। पानी की बात करते हैं, पेयजल की स्थिति क्या है? पेयजल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भीषण पेयजल था, समस्या थी, कब, जब 2018 का चुनाव हुआ, पानी ऐसी स्थिति हो गई थी, सब सूख गया था साहब, ये आप सब बताएंगे। उस समय कमलनाथ जी के एक अनूठे प्रयास से 15 दिन के अंदर माचागोरा से छिंदवाड़ा में पानी दिया गया, तब छिंदवाड़े की जनता को राहत मिली। आज भी वो बहुत बड़ा सहारा है, और कनरगांव जीवन रेखा है छिंदवाड़े की, ये किसने बनाया मैं पूछना चाहता हूँ, आप इनसे पूछिए। पानी को लेकर आप लोगों के प्रयास किस तरह के रहे? माचागोरा की योजना की बात की है, माचागोरा में 85 से कांग्रेस 4 चुनाव जीत चुकी थी, जब 2008 में शिवराज जी ने माचागोरा बांध पूर्ण किया, ये आप पता कर लें, और उस बांध से आज पानी मिल रहा, तो ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन 4 चुनाव जीत चुकी थी कांग्रेस, हर बार शिलान्यास करती थी, बदल बदल के बड़े बड़े लोगों को लाती थी, लेकिन कभी बांध इन्होंने बनाया नहीं। माचागोरा बांध 2008 में शिवराज सरकार ने, शिवराज जी ने बनाया, जिसके कारण आज पानी मिल रहा है। इनका जो पानी है, कनरगांव डैम इन्होंने बनाया था, कनरगांव का डैम का पानी पूरा रोहना में जाता था, और वहां बड़ा पाइप खोल दिया गया था, उनका खेत में बगाई होती थी, जनता उसके कारण त्राहित रही थी, जनता इसके कारण त्राहित रही थी। क्या क्या जिस योजना के संदर्भ में बात हो रही है, उस योजना की स्थिति क्या है? क्या 40 साल से कनरगांव और अभी 5-10 साल से माचागोरा डैम छिंदवाड़ा जिले की पानी को पूरा सकती है, आवश्यकता पूरी कर सकती है? अभी 4 दिन पाइपलाइन फूट गई थी, नगर पालिका और कांग्रेस की पूरी सच्चाई छिंदवाड़ा जिले की जनता ने देखा है, त्राहिमाम मचा हुआ था। देश की आजादी के बाद इन 70-75 सालों में क्या एक माचागोरा डैम और ये आपकी जो बता रहे हैं ग्रेविटी लाइन और ये कनरगांव डैम, ये छिंदवाड़ा जिले की पानी की पूर्ति कर सकेगा? इनके पास फ्यूचर प्लान बिल्कुल नहीं है, सारी बातें हवाई कर रहे हैं। कितने 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 फीसदी जनता को, बड़ी ईमानदारी से ये बताइए, कितने फीसदी लोगों को पानी यहाँ पर मिलता है घर तक के, और पूरा जितनी आवश्यकता है उतना, ईमानदारी से? भैया पानी की बात रहे तो पानी बिल्कुल नहीं मिला, पिछले मंथ इतनी बेकार स्थिति हो गई थी कि इनके सभापति धरने में बैठे थे, माननीय कमलनाथ जी द्वारा इतना प्यारा कनरगांव और माचागोरा का प्लान था, जो कि माचागोरा का प्लान ये इनके गोरी विसेन पानी वहाँ ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन छिंदवाड़ा माननीय कमलनाथ जी के देन से आया था, और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी। एक मिनट, आप ही की योजना, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, आप ही के कार्यकर्ता बोल रहा है कि पानी नहीं मिला, फिर क्यों नहीं मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य गवर्नमेंट हो, जब कोई योजना लाती तो किसी एक विभाग को एजेंसी बनाती है, नगर निगम में एजेंसी बनी जलावर्धन योजना, जलावर्धन योजना में आया 57 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने दिए, कि उसमें ये थी योजना में कि भाई प्रत्येक के घर तक पानी पहुंचे, उसका चार्ज भी ना ले, उस कनेक्शन का चार्ज भी ना लिया जाए, लेकिन नगर निगम में बैठी भाजपा की सरकार और अधिकारियों ने मिलकर उसमें ऐसा वो करा, उसकी DPR ऐसी बनाई कि वो 57 करोड़ की योजना 45 करोड़ पे आके सिमट गई, 12 करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा वो था, जो आदमी को पब्लिक को घर से कनेक्शन देने के पैसे जो लग रहे हैं वो पब्लिक को इसलिए लग रहे थे, उसके बाद जब मालूम था जलावर्धन योजना की पाइपलाइन डल रही है, उसमें आधे जगह डली आधे जगह नहीं डली, लोगों को पानी नहीं मिला, जब नहीं मिला पानी
तो उसमें 8 करोड़ के मीटर लगाने का कहां से था? परिषद में फर्जी प्रस्ताव पास किया गया, मतलब खाली जगह छोड़ के परिषद की बैठक हुई, धर्मेंद्र मिगलानी जी की अनुशंसा पे, मैं खुद उस परिषद की बैठक में था, बाद में उसमें फर्जी प्रस्ताव, और यही उस जो अभी आपके प्रत्याशी है नगर निगम के, ये यहाँ वहां पर हमारे सचिव थे, परिषद के सचिव रहते हैं ये, इनने एक फर्जी प्रस्ताव बनाया और उसमें 8 करोड़ रुपए के मीटर की योजना को स्वीकृति दी गई और वो 8 करोड़ रुपए के मीटर लगाए गए। लेकिन आज आप शहर के अंदर घूम जाओ, एक भी घर में आपको मीटर नहीं मिलेगा। वो मीटर एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तमाम बड़े चेहरे हैं, आपके मंत्री भी रहे चंद्रभान जी, कमलनाथ हैं ही, नकुल नाथ हैं ही, शिवराज जी भी बड़ा फोकस करते हैं क्योंकि आदिवासियों का जिला है, लेकिन ये छिंदवाड़ा जब निकलते हैं तो शाइनिंग छिंदवाड़ा दिखता है, लेकिन इतनी सारी समस्याएं होंगी इसकी उम्मीद तो हमको भी नहीं थी। ठीक है, समस्या कौन बता रहा आपको? आप सब गमछे डाल के बैठे हैं, आप आम पब्लिक से पूछो ना। अगर मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होता तो मैं कांग्रेस की बात करूंगा, भाजपा का कार्यकर्ता था भाजपा की बात करूंगा, मैं अपने प्लस खिलाऊंगा, उनके माइनस गिनाऊंगा, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई डिबेट का। मतलब ये माना जाए कि छिंदवाड़ा के अंदर की स्थिति बेहतर है आपके हिसाब से? पूछिए, चौथी बार हमको क्यों चुनेगी जनता? इसीलिए चुनेगी कि हमने काम अच्छे किए हैं। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, ये कार्यक्रम आज हो रहा है, 6 तारीख 18 तारीख के बाद भी आप आइएगा, हमारा ही महापौर, हमारी ही परिषद बनेगी, लिख के ले लीजिए और क्या कहते गारंटी दें जनता में। बहुत बड़ा विश्वास है कि पूरा काम हुआ है और शाइनिंग छिंदवाड़ा जो है आरोप प्रत्यारोप के बीच में शाइनिंग नहीं दिख रहा, वास्तव में शाइनिंग छिंदवाड़ा है। अगर शाइनिंग छिंदवाड़ा तो इतने एक्सक्यूज क्यों दे रहे हैं? दोनों दल इतने जोर जोर से गला फाड़ फाड़ क्यों चिल्ला रहे हैं? कुछ ना कुछ तो बात दबी है दोनों के मन में, एक दूसरे की ढांक रहे हैं। आप बोलते हैं आपने भ्रष्टाचार किया, आप बोलते हैं आपने भ्रष्टाचार किया, तो भ्रष्टाचारी कौन है? जनता चूतिया है, जनता बेवकूफ है। आप शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान रखिए, शब्दों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण जी। यहाँ पर एक बात बताइए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये 4 मुद्दे जिन पे हमने अभी बात की, लेकिन छिंदवाड़ा जैसे शहर को आपको नहीं लगता कि जिस तरह की यहाँ की परिसंकल्पना है या कमलनाथ बात करते हैं, और भी बड़े प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता है इसको एक अलग जगह पहुंचाने के लिए? क्योंकि छिंदवाड़ा के संदर्भ में हमेशा यही कहा जाता है विकास मॉडल, छिंदवाड़ा मॉडल, तमाम मॉडल, तो इस मॉडल को आप अपग्रेड कैसे करने वाले हैं? देखिए, आपने तो देखा भी छिंदवाड़ा, जो आपकी एंट्री होगी जहाँ से भी आपने छिंदवाड़ा का एंट्रेंस देखा, बहुत अच्छी परिकल्पना माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में की थी। सारी आपने देखा, शिक्षा को लेकर तमाम बातें यहाँ हुई, बिजली को लेकर एक बहुत बड़ा सिस्टम भी कमलनाथ जी ने बनवाया था, 100 रुपये सौ यूनिट बिजली तो दिलवाई। उसके अलावा पूरे शहर में LED का प्रोजेक्ट भी कमलनाथ जी ने लगवाया, जगह जगह जो आप बड़े बड़े हाई मास्क देख रहे हैं अभी जो वर्तमान में लगे, ये सब कमलनाथ जी ने ही करवाए थे। अभी बहुत बढ़िया एक ड्रीम था कि चारों तरफ गार्डन बनना, लाइब्रेरी बनना, छिंदवाड़ा को महानगरों की तर्ज पर लेके जाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार नहीं रही। लेकिन यहाँ पर हमारे भाजपा के नेताओं ने जो पैसा यहाँ आया था उसे रोक नहीं पाया। वही पैसा अगर यहाँ आ गया होता तो, अगर ये सच्चे हिताजी छिंदवाड़ा के होते, छिंदवाड़ा की जनता के होते, तो आज कौन सा पैसा आने वाला था जो नहीं आया? कौन सा पैसा नहीं आया? कौन सा बताया कि बहुत सारी योजनाएं थी जिनका पैसा ना, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स है, लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट्स हैं। कमलनाथ जी ने जीवन में बहुत अच्छा एक काम किए हैं, वो हर काम के लिए एक पत्र लिखते हैं। मेडिकल कॉलेज एक लेटर ला दिया इन्होंने आखिरी चुनाव के दिन कि मेडिकल कॉलेज बन गया, फंड नहीं है। यूनिवर्सिटी एक लेटर दे दिया, फंड नहीं है। कमलनाथ जी का ये है कि आज भी वो लेटर ही लिख रहे हैं, उनकी विधायक होने के नाते जनता में ड्यूटी थी, आज एक जनता छिंदवाड़ा तरस गई है विधायक का चेहरा देखने के लिए, विधायक खड़ा नहीं हुआ कभी जीतने के बाद। ये कौन सा, क्या कमलनाथ जी यहाँ पर जनता के बीच में नहीं पहुँच रहे? देखो, कमलनाथ जी जनता के बीच में पहुँच रहे नहीं वो एक चीज है, लेकिन कमलनाथ जी काम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ जनता शहर में आते ही हैं 15-20 दिन में, और उनकी योजनाएं और उनके पब्लिक से टच रहता ही है, ऐसा नहीं है। हर सुख दुख में, किसी के सुख दुख में हो या किसी की बीमारी हो, उसकी सहायता हो, जो हो सकती पब्लिक की मदद उनके खुद के द्वारा या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा की जाती है। कमलनाथ जी 15 दिन में एक बार दौरा मारते हैं अपनी विधानसभा में। आप ये दो सवाल हैं आपसे मेरे, एक तो कमलनाथ कितना छिंदवाड़ा आते हैं, और दूसरा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना आए भी बहुत सारे काम कर रहे हो? देखिए, मतलब मान लीजिए यहाँ के विधायक है ना, वो तो महीने 15 दिन 2 महीने में घूमने फिरने आते हैं, लोग काम समझाते चले जाते हैं, ठीक है। और आप पानी की बात कर रहे हैं ना, तो पानी वाली बात है, यहाँ मुख्य नदी क्या पेच और कन्हान, ठीक है। इतनी बड़ी नदियां होते हुए भी परासिया से लेके दमुआ तक के लोग आज भी रोज पेपर में छपता है पानी नहीं है, ठीक है। और इन नदियों पे पानी कहाँ, डैम कहाँ बनाया गया? तोतला डो। पानी कहाँ गया? नागपुर में, है ना। थर्मल पावर कहाँ बना? नागपुर में, ठीक है। अगर वही थर्मल पावर, यहाँ कोयला था, जमीन थी,
पानी था, थर्मल पावर यहाँ बनता है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। तमाम मुद्दों पर एक एक सवाल हम और लेंगे, एक बार हमारे संवाददाता से जानते हैं, आखिरी एक एक सवाल है आप चारों से, लेकिन पहले जानने की कोशिश करेंगे ईमानदारी की तस्वीर क्या है, क्या यहाँ की आवश्यकता है। यहाँ पर जो मुख्य छिंदवाड़ा की जो मुख्य चीज़ है वो है विकास। यहाँ पर रोड, बिजली, पानी, नाली, शिक्षा, इसकी महती आवश्यकता है। यहाँ पर कॉलेज जरूर है लेकिन कॉलेज अधूरा है। आज भी यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेडिकल कॉलेज जो है वो मेडिकल जो अस्पताल है वो यहाँ जिला अस्पताल में लगाया जा रहा है। आधे डॉक्टर 3 दिन ड्यूटी करते मेडिकल के, आधे डॉक्टर जिला अस्पताल के 3 दिन करते। इसमें क्या हो रहा, मरीजों के साथ बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। यदि आज जिला अस्पताल का डॉक्टर देखता है तो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नहीं देखते, यदि मेडिकल कॉलेज का देखता है तो जिला अस्पताल का डॉक्टर नहीं देखते। इस तरह मरीजों को यहाँ बहुत समस्या आ रही है। और कौन से मुद्दे हैं मेडिकल के अलावा? मेडिकल के अलावा यहाँ पर जैसे आपका हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, अभी तक नहीं खुला है वो। उसके अलावा यहाँ सड़कों की बहुत आवश्यकता है, पेयजल की आवश्यकता है। जो लगभग 30 से 40 गाँव शामिल हुए हैं जो नगर निगम में, वहाँ अभी अधूरा विकास है, वहाँ पर विकास की बहुत आवश्यकता है। वहाँ ढंग से पानी नहीं मिल रहा लोगों को, पेयजल की समस्या बनी हुई है, सड़कों की समस्या, नाली नहीं है, जल बारिश में यहाँ जल भरा हो जाता है। एक ब्रिज है काफी समय से अटका हुआ है, उसके संदर्भ में बहुत चर्चा होती है, क्यों काम अटका हुआ है? देखिए वो ये कमलनाथ जी जाने और ये भाजपा वाले जाने, ये विकास की बात ही नहीं करते ना, ये अड़का के रखते हैं। चुनाव के टाइम में उसे पूरा करेंगे, फीता काटेंगे। रेलवे का वो पुल अटका हुआ पड़ा है हमारे यहाँ टीवी सेंटोरियम का, लेकिन अभी जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इनको पूरे देवी देवता, पूरे रिबेन सब काटने याद आएंगे। ये त्योहार की तरह मनाते हैं जनता। सेंटोरियम का ब्रिज क्यों नहीं पूरा हो पाया? टीवी सेंटोरियम का ब्रिज लगा चल रहा है और वो जिस मद से हुआ था उसमें नगर निगम को पैसा जनरेट करना था, तो चूंकि वो किसी ने पैसा दिया नहीं उस पुल के लिए, नगर निगम से बनना था, नगर निगम को ये कहा गया कि उसके नीचे दुकानें बनाकर बेचें और उसके बाद पुल कंप्लीट करें। पर 15 महीने में जो सरकार चेंज हुई और नगर निगम का जो खजाना खाली हुआ उसमें नगर निगम लड़खड़ा आ गया। अब वो धीरे धीरे अपनी दुकानें भी बनाया उन्होंने, बेच रहे हैं धीरे धीरे, उसका पैसा आ रहा है और पुल बन। तो नेता प्रतिपक्ष थे, आपकी भी जिम्मेदारी थी कि ब्रिज का काम समय पर पूरा हो। नहीं, हमारी सरकार जब आई थी तो हमने उसमें प्रयास करते हुए ब्रिज का काम स्पीड पूर्वक चालू किया गया था और यहाँ से पत्र लिख के माननीय कमलनाथ जी ने फंड की व्यवस्था भी की थी, लेकिन सरकार दुर्भाग्यपूर्ण गिर गई। और जब से सरकार गिरी है तो ब्रिज का काम लटका पड़ा अधूरा। अब क्योंकि सरकार हमारी है नहीं, हम अगर लेटर पहुँचाएंगे या कहीं मांग भी करेंगे तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। चलिए आखिरी सवाल की कतार शुरू करते हैं, एक एक सवाल है, दो बड़े मुद्दे आए हैं, उसके बाद हम जो है समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। मेडिकल कॉलेज का स्टाफ नहीं है, जिला अस्पताल के स्टाफ की जरूरत पड़ती है और हॉर्टिकल्चर कॉलेज का पता नहीं है। देखिए मैं तो ये पहले, अभी आपने इसके पहले ही मैंने पूछा, मैंने बताया, सब यहाँ पर हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, सब जानते हैं कि अस्पताल की क्या स्थिति है। ये स्थिति है कि यहाँ के जो लोकल डॉक्टर हैं, जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है, पेशेंट पड़ा रह जाता है। आप देखिए जाके मेडिकल कॉलेज जो बना है इसमें क्या स्थिति है, आज पानी के लिए आदमी परेशान हो जाता है, गंदगी बड़ी है। यहाँ पर हमारे भाजपा के जो नुमाइंदे ये क्यों नहीं जाके देखते वहाँ? और ये जो मेडिकल कॉलेज है ये 1200 बेड का कमलनाथ जी ने कराया था, 400 बेड में लाके टिका दिया साहब, छिंदवाड़े से क्या दुश्मनी थी ऐसी? मेरा सवाल इनसे ये है कि आप बहुत छिंदवाड़ा करते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा के हितों की रक्षा के लिए आप सीएम साहब से क्यों नहीं लड़ते जाके? आप लड़िए ना उनसे, हम आपके साथ खड़े। क्यों ये लड़ाई है और क्यों स्थिति है जिला अस्पताल और मेडिकल की कि एक दूसरे के स्टाफ की जरूरत पड़ती है और उसमें भी कोऑर्डिनेशन नहीं है? कोई लड़ाई नहीं है। जब मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हुआ तो सरकार बदल गई थी, कमलनाथ जी ने सिरे लेने के लिए आनंद फानन में उनकी ओपनिंग कर दी बिना स्टाफ के। लेकिन चूंकि अब वहाँ पूरी व्यवस्था के साथ अगर ओपनिंग करते कमलनाथ जी तो राहत मिलती। अब चूंकि 15 महीने बाद सरकार वापस आई और उसके बाद कोरोना आ गया और कोरोना काल में 2 साल सरकार का कोई काम हुआ नहीं और 2 साल के बाद जब सरकार आई तो आर्थिक स्थिति आप समझ रहे हैं, पूरा देश जूझ रहा है, पहले कोरोना और उसके बाद पूरा वो, तो अब स्थिति संभल रही है धीरे धीरे और सरकार उस पर इंस्टीट्यूट ले रही, अभी 650 करोड़ का उस पर हुआ है और हम बहुत जल्दी अच्छा मेडिकल कॉलेज बना के देंगे। आखिरी सवाल है, मेडिकल कॉलेज की स्थिति इस तरह की क्यों है? क्योंकि एक बड़ी बात है, हम बाहर सुनते हैं कि छिंदवाड़ा को मेडिकल मिल गया, लेकिन अब यहाँ सुन रहे हैं कि जिला अस्पताल और मेडिकल स्टाफ को आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करना पड़ता है, वो भी प्रॉपर नहीं होता। आपको सारी सच्चाई देखनी है, आप ये मेडिकल कॉलेज देख लीजिए और ये जिला अस्पताल आपके जस्ट पीछे है, ये देख लीजिए और यहाँ की व्यवस्थाएं देख लीजिए। व्यवस्थाओं मुद्दों पे बात ही नहीं करेंगे ना, भ्रष्टाचार की सरकार दोनों लिपते हैं, ये बोलते हमारी 15 महीने में सरकार गिर गई, सच्चाई नहीं स्वीकारते, इनके विधायक बिक गए इसलिए सरकार गिरी ना इनकी,
और ये पार्टी जो दावा कर रही है हम अच्छी सरकार दिए, क्योंकि इनके यहाँ खरीदार ज्यादा थे इसलिए वो विधायक बिक गए। तमाम लोगों से हमारी बात हुई है, यहाँ पर मुद्दों की बात हुई है, और सबसे बड़ी बात यह कि अभी भी छिंदवाड़ा की जो तस्वीर शाइनिंग छिंदवाड़ा की कही जाती है उसमें कई सारे कामों की बहुत जरूरत है। इन कामों की अगर हम बात करें तो मेडिकल कॉलेज के स्टाफ की जरूरत है, हार्टिकल्चर कॉलेज की बिल्डिंग की जरूरत है, एक ब्रिज है रेलवे का वो लंबे समय से बनता ही आ रहा है जो पूरा नहीं हुआ। सीवरेज लाइन की बात करते हैं तो वहां पर सड़कें पहले बना दी गई और बाद में खोद दी गई तो वो खुदी हुई स्थिति में ही है। आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगाती है। पेयजल को लेकर अभी बहुत काम करने की जरूरत है। नगर निगम के डिलिमिटेशन के बाद में जो नए गांव जुड़े हैं उनको विकास की जरूरत है, और उम्मीद यही है कि इन तमाम मुद्दों पर भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जिसकी भी जीत होगी वो जरूर काम करेगा और इस तस्वीर को बदलेगा। आज वोट यात्रा में छिंदवाड़ा से इतना ही, अगले शहर में फिर मुलाकात होगी। आपके साथ मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।